इस्लामाबाद जमनी इलेक्शन कौमी सूबाई असम्बली के तमाम 21 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज मौसूल हो गए, जिसमें मुस्लिम लीग ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दो दो जबकि सिंध की एक कौमी असम्बली की नशस्त पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इसी तरह पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की दो दो सूबाई नशस्तों पर वोटिंग हुई। पाकिस्तान पर हमलावर एक और अफगानिस्तान दहशतगर्द बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाल ही में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान बाशिंदा निकला, जिसकी शनाख्त मलिकुद्दीन मसबाह के नाम से हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक के मुतल्लिक अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब के दौरे अमेरिका से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफीर मसूद खान ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की, जिसमें अहम सरमायाकारों ने अंदिया दिया है पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। इस्लामाबाद हुकूमत ने अहम तायनातियों की पॉलिसी में तरामीम करते हुए मुलाजमीन की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने अहम तायनातियों में 65 साल तक उम्र की हद तक खत्म कर दी। ज़राए ने बताया कि नए टैलेंट के फरोग के लिए 2019 की पॉलिसी में तरामीम जरूरी थी, इसीलिए PTI दौरे हुकूमत में की गई पॉलिसी में तरामीम कर दी गई।